उदयपुर जिले की हाथीपुल थाना पुलिस ने तलवार से जानलेवा हमला करने के मामले में एक हिस्ट्री शीटर सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि शादन खान ने 16 सितंबर 2023 को हाथीपुल थाने पर पहुंच करके एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनका चेटक सर्कल पर एक रेस्टोरेंट है जहां वह अपने मित्र के साथ खड़े थे, तभी वहां पर एक कार आई जिसमें से कार ने कस्टमर की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस पर जब हम कार वाहन चालक को समझाने गए तो कार में बैठे लोगों ने हम पर हमला बोल दिया। इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर SP भुवन भूषण यादव ने तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिस पर टीम का गठन किया जाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार व चांदमल सिंगारिया वृत्तकारी वृत्त पश्चिम नगर पश्चिम के सुपरविजन में जिला स्पेशल टीम का गठन किया जाकर कार्रवाई करने के आदेश प्रदान हुए, जिस पर टीम द्वारा तकनीकी तंत्र व अन्य मुखबिर की सूचना से आरोपियों के नादवार अजमेर की तरफ भागने की सूचना मिली, जिस पर नाकाबंदी की गई तो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें पहले का नाम मजीद उर्फ मच्छी पिता नूर मोहम्मद घंटाकर का रहने वाला, दूसरा तौसीफ उर्फ मोटा पिता रईस खान सिलौटवाड़ी का रहने वाला और तीसरा शोएब अली पिता लट्टा हामिद अली उर्फ बिच्छू घाटी थाना घंटाकर जिला उदयपुर को डेटिन किया जाकर उनके कब्जे से प्रयुक्त हथियार तलवार व सरिया व पाइप बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी में विशेष योगदान जिला स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल योगेश कुमार का रहा। आपको बता दें कि अभियुक्त मस्जिद उर्फ मच्छी के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में मारपीट हत्या का प्रयास आर्म्स एक्ट के व पिस्टल जैसे गंभीर प्रवृत्ति के 15 से अधिक मामले दर्ज होकर न्यायालय में विचाराधीन है तथा अभियुक्त थाना घंटाकर का हिस्ट्रीटर भी है। वहीं अभियुक्त तौसीफ उर्फ मोटा के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों पर मारपीट सट्टा जैसे गंभीर प्रवृत्ति के मामले दर्ज हुए हैं। कार्रवाई करने वाली टीम में जिला स्पेशल टीम से योगेश कुमार हेड कांस्टेबल का विशेष योगदान रहा। इसी के साथ अनिल कुमार रविंद्र कुमार करता सिंह का योगदान रहा। इसी तरह हाथीपुल टीम से दलपत सिंह उपनिरीक्षक शिवराम सिंह हेड कांस्टेबल लोकेश गुर्जर कांस्टेबल धर्मपाल कांस्टेबल धनाल कांस्टेबल मांगेला कांस्टेबल का सराहनीय योगदान रहा।